हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास नाइन्थ के लिए हमारी बुक जो है आरडी शर्मा, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 20.1 जो चैप्टर हमारा 20 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसका हम लोगों ने एक्सरसाइज 20.1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है वो लोग जाके बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हम उस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं और सॉल्यूशन देख सकते हैं। आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 20.2 सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पर विजिट करते हैं, वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों को वीडियोज़ की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। ठीक है, कोई भी वीडियो आप लोगों का मिस ना होने पाए। क्लियर। तो हम लोग चलते हैं अभी एक्सरसाइज 20.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। जो हमारे पास डायग्राम है वो क्या है, राइट सर्कुलर कोन है। अब उसमें गिवन क्या क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें तो क्वेश्चन में दे रखा है, अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो इसका रेडियस है दैट मीन्स आर, वो कितना है 6 सेंटीमीटर, और अगर हम लोग हाइट की बात करें तो वो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इससे क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना। सिंपली हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 πr² एच। ये हमारे पास कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले में, वैल्यू रखते हैं, वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना रख लेंगे, 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 × 6 इंटू एच हमारे पास कितना है 7 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 से ये 7 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये हमारा 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बचा, 1 × 22 करेंगे तो ये हमारा कितना रहेगा, 22 ही रहेगा, और 6 × 2 = 12 हो जाएगा। क्लियर। आगे इसको सॉल्व करो तो ये 20 हम यहाँ पे 12 से इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 12 × 2 = कितना होता है 24, कैरी हो गया 2, 12 × 2 = 24 × 26 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो हमारा यूनिट में इसमें क्या हो जाएगा, पावर 3 रख जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 3 डायमेंशनल फिगर है। क्लियर। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसका वॉल्यूम आ गया कितना, आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। चलते हैं इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में दे रखा है रेडियस हमारे पास आर कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और अगर हम लोग एच की बात करें, हाइट की बात करें, तो वो हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो एच गिवन होता है वो हमारा क्या होता है, हाइट। ठीक है, या फिर कह लो परपेंडिकुलर हाइट। क्लियर। अब एक चीज़ और हमारे पास, देखो अगला जो क्वेश्चन वहाँ पर एल दिया हुआ, तो एच और एल दोनों हमारे हाइट होते हैं, लेकिन ये हमारा परपेंडिकुलर हाइट होता है। ठीक है, और ये होता है स्लैंट हाइट। क्लियर, ये डिफरेंस पता होना चाहिए, और पहले वाले एक्सरसाइज में ये चीज़ें हम लोग डिस्कस भी किए हैं। क्लियर। तो आते हैं हम लोग फिर से अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला हमारा वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr² h। क्लियर, वैल्यू पुट करूँ तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना 3.5 स्क्वायर लगा हुआ, तो इसको हम 2 टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद एच की बात करें तो एच हमारे पास है 12। क्लियर। अगर हम 7 से इसको डिवाइड करें तो 35, दैट मींस ये 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, 1 डिजिट पर हम लोग डेसिमल लगा लेंगे, और अगर हम 3 से डिवाइड करें 12 को तो 3/4 होता है 12। ठीक है, बचा हमारे पास क्या, वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे 22 बच गया तो यहाँ 22 मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे यहाँ तो 0.5 है, 0.5 कर लेंगे इनटू, फिर आगे 3.5, और देन उसके बाद आ जाएगा 4 × 4। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ कि हमें अपना कैलकुलेशन क्या करना है, ईजी करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, या फिर ऐसी चीज़ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो हमारे कैलकुलेशन को और इजी बना दे। ठीक है,
अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई एक पहले इसमें ये करें, फिर इसमें ये करें, फिर इसमें ये करें, तो वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे खुराफात भी करना ज़रूरी होता है, या फिर अपने आप को चेक भी, अपना कैलकुलेशन लगातार चेक भी करते रहना कि हाँ यार हम क्या फास्ट कर सकते हैं, क्या चेंज करें कि जिससे हमारा कैलकुलेशन और फास्ट हो जाए। तो हम लगभग जितने भी क्वेश्चन बताएंगे वहाँ हमेशा कोशिश करेंगे आप लोगों को कि अच्छा तरीका बताएं जिससे आप लोग अपना कैलकुलेशन जो है उसको ईजी बना सको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करना क्या है, हमें इसको और पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, 0.5 का मतलब होता है 1/2, 1/2 मतलब आधा। ठीक है, अब अगर हम 0.5 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को ये क्या करेगा, आधा कर देगा। दैट मीन्स कि अगर 4 को आधा हम करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये हमारा बचा 22 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2, और आगे हमारा कितना, 3.5। क्लियर, फिर आ गया हो। अब अभी इसमें नहीं करना, हमें इससे इसको मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अगर इसमें करोगे तो नंबर फिर दोनों बड़े आ जाएंगे, कैलकुलेशन ज़्यादा होने करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम 2 से अगर 3.5 करें। ठीक है, अब देखो 2 से अगर हम 35 इंटू 2 करें तो कितना होता है, 70, है ना, और वन डिजिट पे डेसिमल लगा दो 7.0, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7। क्लियर, अब 7 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 115 सेंटीमीटर क्यूब, 154 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। क्लियर, अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कुछ लिखते नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या, 1/3πr²h, क्वेश्चन हमारे पास ये। ठीक है, अब यहाँ पे h दिया हुआ है और l दिया, सबसे पहले हमें r फाइंड करना पड़ेगा, तो इतने स्पेस में नहीं हो सकता, हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं पहले। ठीक है, अब जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग यार बगल में आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं, या फिर जाके अपना सर्च कर सकते हैं जो भी चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। सर्च कैसे करेंगे, अपना सब्जेक्ट या फिर अपना चैप्टर डालो, चैप्टर नेम, और साथ में आगे चैनल का नाम एकेडमिक मैथमेटिक्स डाल दो, तो वो टॉपिक या फिर उस एक्सरसाइज या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा लग रहा है, तो यार वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लो। ठीक है, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन, जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, आप लोगों को यार जब हम पढ़ा रहे हैं फ्री में तो इतना तो हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम क्या करेंगे, पढ़ाते रहेंगे ऐसे ही रेगुलर। क्लियर, अब बीच में क्लासेस थोड़ा सा डिले हो गई हैं, कुछ ज़रूरी काम थे जो हमको निपटाने थे, तो हमने सोचा कि पहले ये काम भी निपटा लेने ज़रूरी हैं। ठीक है, क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, तो यार हमारा भी जो पढ़ने का शेड्यूल है या फिर जो भी चीज़ें हैं हमारी पढ़ाई से रिलेटेड, वो भी हमें कंप्लीट करती रहनी पड़ेंगी साथ साथ। ठीक है, तो आते हैं हम लोग अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो एच है हमारे पास और एल है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डायग्राम भी बना लेते हैं कि राइट सर्कुलर कोन हमारा कैसे होता है, कुछ ऐसे बना होता है, ये हमारा रेडियस होता है और ये इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, ये वाला ए ओ बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए ओ जो है ये परपेंडिकुलर हाइट होता है, ओ बी जो होता है यहाँ पे रेडियस होता है, और जो ए बी होता है वो स्लैंट हाइट, दैट मीन्स कि एल होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखो यहाँ पे एच हमारे पास, दैट मीन्स कि ये दिया हुआ हाइट, देन उसके बाद L है, L हमारा ये होता है, इसको हम 28 लेट कर लेंगे। ये जो OB पार्ट है ये हमारा रेडियस होगा, इसको हमें फाइंड करना, तो इसको हम R लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पे एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, अब राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हमारे पास है, तीसरी अगर फाइंड करना तो ऑब्वियस ये बात है कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम थर्ड साइड को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम है क्या ये हम अच्छे से डिस्कस किए हैं, तो
तो जाके आप लोग पाइथागोरस थ्योरम डिटेल में अगर समझना है तो भी बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर अगर और इससे देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम उसका प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम है क्या कि हाइपोटेनस स्क्वायर, दैट मीन्स कि ए बी इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइट हमारा ये हो जाएगा ए ओ, और ओ बी हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हम अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी हमारे पास कितना है 28, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इज इक्वल टू ए ओ कितना है 21, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ओ बी कितना आर है तो आर का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 28 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, 28 का स्क्वायर कितना होता है निकालना पड़ेगा, याद आ नहीं रहा अभी। तो देखो अब निकालना 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, पहले इसको 2 इंटू 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 2 4 4 8 32। क्लियर, और यहाँ पे अब करना क्या है, यहाँ पे करना क्या है कि इसको छोड़ के इसका पहले स्क्वायर लिखना, तो ये हो जाएगा 64 और इसका स्क्वायर लिखना 04 होगा। अब वन डिजिट इधर से छोड़ के ये दोनों नंबर ऐड कर देने, तो ये हो जाएगा 3 2 4 6 2 8 और 4 3 7 7 84 हमारा होता है किसका, 28 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 784 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर कितना, 441 प्लस आर स्क्वायर। क्लियर, 441 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 784 माइनस 441। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 4 में से 1 माइनस होगा 3 बचेगा, 8 में से 4 माइनस होगा 4 बचेगा, और 7 में से 4 माइनस होगा 3 बचेगा। क्लियर, अब यार एक चीज़ देखो कि जो 343 है ये अगर हम लोग क्यूब की बात करते तो 7 का क्यूब होता है। ठीक है, बट स्क्वायर नहीं है तो ये हम क्या रखेंगे यहाँ पे, इसको r इज इक्वल टू रूट ऑफ 343 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। यहाँ से हमें r मिल गया है, r कितना आ गया रूट 43। क्लियर, अब आते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला हमको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 1/3 πr² h होता है। ठीक है, अभी आगे पता चलेगा कि इसको हमने सॉल्व क्यों नहीं किया। ठीक है, तो हमें अपना माइंड ओपन करके रखना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इजी से इजी क्वेश्चन को जबरदस्ती कैलकुलेटिव बना लेते हैं या फिर टफ बना लेते हैं। ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है। ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 π का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर है, तो आर हमारा कितना आ गया रूट 343। ठीक है, रूट 343 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे, इंटू एच हमारे पास कितना है 21, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/3 इंटू 20। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 7 से इस 7 से 21 को 3 टाइम्स कैंसिल कर लेते हैं, इजी करना है तो हम लोग यहीं जितना कट कर सकते हैं वो कट कर लेते हैं, 3 से ये 3 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, बचा हमारे पास कितना 22 इंटू, अब देखो 343 का स्क्वायर रूट है और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो उस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक है, यहाँ बचेगा 343। क्लियर, अब यहाँ पे अलग हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 343 इंटू 20, 2 2 3 6 2 4 8 2 2 3 6, सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 6 आ जाएगी, हो गया 6, ये हो गया 6 और 8 14 6 8 14 1 15 6 1 7। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया, वॉल्यूम कितना आ गया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल। हमारे पास एक
कॉनिकल कोई बर्तन है कह लो कि कोई बर्तन ही कह लो, ठीक है, कॉनिकल शेप में है, उसका क्या करना हमको कैपेसिटी फाइंड करना कि भाई उसमें कितना लीटर जो भी मटेरियल है लिक्विड होगा, जाहिर सी बात है लीटर में है तो लिक्विड होगा, तो कितने लीटर कोई भी लिक्विड लिक्विड है वो इसमें कम्प्लीटली फिल करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई रेडियस जो दिया गया उस कॉनिकल वेसल का 7 सेंटीमीटर है और जो एल है वो 25 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स कि स्लैंट हाइट, ठीक है। अब देखो स्लैंट हाइट दिया है और रेडियस दिया है, हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें परपेंडिकुलर हाइट चाहिए, ठीक है। अब परपेंडिकुलर हाइट हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो अगर हम लोग डायग्राम बना लें, डायग्राम हमारा कैसे बनेगा, कुछ इस शेप में बनेगा, ठीक है, क्लियर। तो जो L है वो दिया है 25 और R दिया है, दैट मीन्स कि अगर हम रेडियस की बात करें तो ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में हमारा क्या आ जाएगा, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू h, हमको फाइंड करना तो h स्क्वायर कर लेंगे प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्टली अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर होता है 6, 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7 7 जो 49, ठीक है। एच स्क्वायर हमको फाइंड करना तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49, तो यहाँ से आ जाएगा h इज इक्वल टू रूट ऑफ, माइनस कर लो 15 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है, और यहाँ बचा 1, दैट मीन्स के 11, 11 में से 4 माइनस होगा 7 और ये बच जाएगा 5, ठीक है। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा इज इक्वल टू 576 किसका होता है, 24 का, ठीक है। तो h का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr² h, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, दैट मीन्स कि 7 × 7 इंटू जो h है वो कितना है 24, क्लियर। 7 से ये 7 डिवाइड कर लेंगे, 3 से 8 टाइम्स हम डिवाइड कर लेंगे 24 को, यहाँ पे बचा कितना हमारा 22 × 7 × 8, क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करूँ तो पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 14 = 15 × 8 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40, ठीक है, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40 और 40 में 3 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 4 = 12 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अभी बताना हमें किसमें है, लीटर में बताना, ठीक है। तो एक चीज़ तुम्हें पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू जो कैपेसिटी होता है वो 1 लीटर का होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 32 लीटर, ठीक है। वो जो वेसल है उसकी कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1232 लीटर, ये हमारा पहला पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का, जो कैपेसिटी फाइंड करना था, ठीक है। अब चलते हैं, और एक चीज़ देख लो यहाँ पे कि जो 1 मीटर क्यूब होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 1 किलो लीटर, ठीक है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। जिसको नोट करना रहे वो लोग क्या करेंगे, वीडियो को जब सॉल्यूशन कंप्लीट हो तो वीडियो पॉज करो और उसके बाद नोट कर लो, देन आगे वाला क्वेश्चन फिर देखो, ठीक है। और अगर कैलकुलेशन अच्छा लग रहा है यार, सॉल्यूशन कराने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है, जिससे हमें भी पढ़ाने का हौसला मिलेगा। जितना आप लोग शेयर करेंगे हम उतना ही बेहतर पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि यार जितना ज़्यादा आप लोग शेयर और लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, इंस्पिरेशन, ठीक है। इंस्पिरेशन हमें किस इसी चीज़ का है, ठीक है। तो आप लोग लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल्स में।
अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास H है और L है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमें R चाहिए, ठीक है, R चाहिए, तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। L हमारे पास है 13 और H जो है वो 12 है, ठीक है। ये आएगा कितना, 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, ठीक है। आप लोग याद किए होंगे, मैंने जब भी पढ़ाया होगा पाइथागोरस थ्योरम तो उस टाइम पे कई ट्रिपलेट मैंने बताए होंगे, ठीक है। फिलहाल अगर नहीं याद है तो आओ हम सॉल्व करके भी निकाल लेते हैं इसको, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाइपोटेनस की बात करें तो 13 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू हाइट हो गया 12 स्क्वायर प्लस आर हमको चाहिए, तो आर स्क्वायर यहाँ पे इसको रख लेंगे, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग आर स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, ये आर इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 25 जब माइनस करोगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से आर कितना मिलेगा हमको, 5 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं कैपेसिटी फाइंड करने के लिए। तो वॉल्यूम हमको फाइंड करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर हमारे पास कितना हो गया 5 इंटू 5 कर लेंगे, एंड देन एच हमारे पास कितना है 12, ठीक है। 3 से हम इसको 12 को 4 टाइम्स डिवाइड कर लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 × 5, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 20/7, ठीक है। और 20 × 5 करोगे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। 20 × 5 करोगे 100 में 22 मिला मल्टीप्लाई करोगे तो 2200 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डायरेक्टली डिवाइड कर लो 7 से, 7 × 3 = 21, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 7 × 1 = 10, 3 बचेगा 7 × 4 = 28, ठीक है। 28 अब यहाँ पे 2 बचेगा, है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2/7 भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 314 2/7 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर चाहो तो डेसिमल में भी कर सकते हो इसको, ठीक है, डेसिमल में भी कर लेते हैं। 2 बचा था 20 हो गया, 7 से अगला लिख लेते हैं 314, ठीक है, 2 बचा था यहाँ पे, 7 से डिवाइड करोगे 20 ये हुआ, 7 से डिवाइड करोगे 7 × 2 = 14, ठीक है, बचेगा कितना 6, 7 × 8 = 56, तो ये तुम्हारा भी आ गया सेंटीमीटर क्यूब में, और यही जो होगा 314.28 लीटर भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम लोगों का क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात का अगर हम लोग करें तो आप लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशियो ऑफ 1:3, मतलब दो कोन है हमारे पास, उनके हाइट का जो रेशियो दे रखा है वो 1:3 दे रखा है, एंड द रेडाई ऑफ द ऑफ देयर बेसिस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब इनके जो रेडियस है उनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा, दैट मीन्स कि हाइट का रेशियो 1:3 और जो बेसिस है, बेस का रेडियस है उसका जो रेशियो है वो 3:1 दे रखा है। कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, हमें उनके वॉल्यूम्स का रेशियो बताना है कितना होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि भाई लेट कर लेते हैं, हाइट का रेशियो दे रखा है, दैट मीन्स H1/H2 दे रखा है, कितना दे रखा है 1:3, ठीक है, मतलब कि 1/3, ठीक है। और उसके बाद उसके रेडियस का रेशियो दे रखा है, तो ये हो जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3:1, दैट मीन्स कि 3/1। हमें बताना क्या, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2 का रेशियो बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई कुछ भी इसमें बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अब रेशियो बताना है, दैट मीन्स कि V1/V2 बताना है, ठीक है। अब अगर V1 की बात करें, फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, 1/3 πR1H1 / 1/3 πR2H2
आर टू एच टू, ये फॉर्मूला दोनों में लगेगा भाई, वॉल्यूम टू है तो आर वन और एच, सॉरी आर और एच को हम टू लेट कर लेंगे, और अगर वॉल्यूम वन की बात करें तो आर और एच को हम लोग वन लेट कर लेंगे, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करो, पहले देखो यहाँ पे क्या क्या हम हटा सकते हैं। वन बाई थ्री दोनों में क्या है, इक्वल है, हट गया। पाई भी दोनों में इक्वल है, पाई को भी हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे आर वन और आर टू कैंसिल नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग वैल्यूज हो गए, ठीक है। सेम तरीके से एच वन और एच टू को भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। अब आर वन की बात करें तो आर वन हमारे पास कितना है, थ्री है, ठीक है। ये हो जाएगा थ्री इंटू एच वन कितना है, वन है, ठीक, डिवाइडेड बाई आर वन स्क्वायर है बेटा, आर वन स्क्वायर और आर टू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आर वन की बात करेंगे तो थ्री का क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर इंटू वन, कोई दिक्कत। और उसके बाद हम लोग सेकेंड पे आते हैं तो आर टू कितना है, वन है, वन का स्क्वायर करेंगे इंटू एच वन कितना, एच टू कितना है, थ्री है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर करेंगे नाइन इंटू वन डिवाइडेड बाई वन इंटू थ्री, वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही रहेगा, ठीक है। थ्री से इसको हम थ्री टाइम्स कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू थ्री इंटू वन, थ्री थ्री इंटू वन मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, और वन इंटू वन कितना हो जाएगा, वन, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम का रेशियो चाहिए तो V1 वन रेशियो वी टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थ्री रेशियो वन, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्लियर। इस तरीके से अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। अगर आप लोगों को हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना है तो आप लोग फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाते रहें रेगुलर। फाइनेंशियल सपोर्ट करने के जो मेथड्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से जाके फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।